सो हे गाइस, राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी हुई गांधी गोडसे मूवी 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के दिन सिनेमा घर के अंदर रिलीज कर दी गई थी। वहीं पे दोस्तों बात करें तो वेडनेसडे के दिन पठान मूवी को रिलीज कर दी गई थी। और उसी के साथ बात करें तो पठान मूवी की काफ़ी हाइप बनी हुई है, काफ़ी तगड़ी कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। और उसी के साथ बात करें तो दोस्तों गांधी गोडसे मूवी कहीं ना कहीं पठान मूवी के रिलीज से दबती हुई भी नज़र आ रही है। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या ये सही टाइम था इस मूवी को रिलीज होने की, क्या ये कलेक्शन कर पाएगी या फिर फ्लॉप होगी। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करें तो गांधी गोडसे एक विचारों का युद्ध देखने मिलने वाला है। जैसे कि गांधी और गोडसे के बीच में अगर गांधी जी बच जाते तो किस तरह की चर्चा होती, किस तरह के इनके बीचों का विचारों का युद्ध होता, ये सारी चीजें हमें इस मूवी के अंदर देखने मिलने वाली है। उसी के साथ दोस्तों बात करें तो कहीं ना कहीं इस मूवी पे पठान का जो खतरा है काफी बुरी तरह से मंडराती हुई नजर आ रही है। बात करें इस मूवी के फर्स्ट डे के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों अभी तक के रिपोर्ट जो निकल के आ रही है 80 लाख की कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। और वहीं पे दोस्तों बात करें इस मूवी के सेकंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो ये मूवी अपने सेकंड डे पे 30 से 35 लाख की कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं पे दोस्तों बात करें तो गांधी गोडसे मूवी एक अच्छी मूवी है, ऑडियंस को पसंद आएगी, लेकिन जो गांधी गोडसे मूवी का टाइमिंग था रिलीज होने का ना, काफी गलत टाइमिंग है, क्योंकि पठान मूवी इस पे काफी भारी पड़ेगी और उसकी वजह से ये मूवी फ्लॉप भी हो सकती है और कहीं ना कहीं अपना बजट निकालना भी इसके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर गांधी गोडसे मूवी के एक पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो इसको काफी कम स्क्रीन्स भी मिली हुई है, लिमिटेड स्क्रीन्स मिली हुई है, लेकिन ये मूवी कभी भी आपको फास्ट बेस पे कलेक्शन करती हुई नजर नहीं आएगी। ये मूवी अगर सिनेमा घर के अंदर लंबे समय तक, काफी लंबे समय तक इसी स्क्रीन्स पे टिकी रही तो अच्छी खासी कलेक्शन कर सकती है और अपना बजट निकाल के हिट भी हो सकती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसी तरह के अपडेट से जुड़े रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।